नमस्कार, हेलो, वेलकम। न्यूज क्लिक में आपको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुप्ता ठाकुर था। आज का चर्चा का क्या विषय है? भारतवर्ष का इतिहास में पहला बार एक राज्य का मुख्यमंत्री सबसे उच्च न्यायालय के सबसे उच्च न्यायाधीश को एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखा, और जिसमें उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री Y.S. जगनमोहन रेड्डी, और उन्होंने ये चिट्ठी लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे उच्च न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबडे को। और उन्होंने क्या शिकायत किया कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जिस तरह से उनके खिलाफ व्यवहार कर रहे, उनका कहना है कि उनका जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल ओपोनेंट, जो विरोधी दल का नेता है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे N. चंद्रबाबू नायडू, उनको मदद करने के लिए। और ऐसा चिट्ठी लिखने के बाद सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया, मीडिया में इसका चर्चा शुरू होगी हो गई, और लोग आश्चर्य हो गए कि इस तरह से चिट्ठी एक राज्य का मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। और ये भी लोग आश्चर्य हो गया, जिस दिन वो चिट्ठी का तारीख है 6 अक्टूबर, उसी दिन जगनमोहन रेड्डी जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिला दिल्ली में, और बहुत सारे आरोप है उसमें, मगर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कर रहे हैं, और उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है चंद्रबाबू नायडू को मदद मिल रही है। तो ऐसा चिट्ठी भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं आया। 6 अक्टूबर चिट्ठी लिखा, 10 तारीख के दिन, 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री का जो प्रिंसिपल एडवाइजर, जो प्रधान जो सलाहकार है अजय कल्लम ने सार्वजनिक कर दिया, सारे पत्रकार को मिल गया। तो एक तरह से एक संवैधानिक संकट आज भारतवर्ष में पहला बार हम देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसके पीछे राजनीति क्या है, ये सारे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आज मैं स्वागत कर रहा हूं न्यूज क्लिक के दर्शकों के लिए वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा कभी ऐसा घटना नहीं हुई कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे चिट्ठी लिखा और फिर सबको बता दिया, पब्लिक इट इज बीन मेड पब्लिक, सार्वजनिक हो गया। आप किस नजरिया से देख रहे हैं? देखिए, इसको समझने के लिए आपको यू विल हैव टू प्रोसीड क्रोनोलॉजिकली। जैसा आपने कहा कि लेटर इज डेटेड 6th of October, एंड ऑन द 6th द चीफ मिनिस्टर मीट्स द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन द लेटर इज देयर आफ्टर डिस्क्लोज्ड ऑन द 10th. And the interesting aspect is that either in between or immediately preceding the writing of letter, एक important चीज ये थी कि एक direction हाई सुप्रीम कोर्ट से issue हुआ, जिसमें कि रमन्ना साहब की bench से issue हुआ कि वो political leaders, राजनेता जिनके खिलाफ criminal cases चल रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी खत्म किए जाए, मतलब कंक्लूड किए जाए। अब सबको मालूम है कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जो है मैटर चल रहा है स्पेशल सीबीआई कोर्ट में काफी सालों से, और हो सकता है वो शायद खत्म होने के नजदीक हो, या हो सकता हो जल्दी खत्म हो जाए इस डायरेक्शन के बाद। तो इमीडिएट प्रॉब्लम तो यहां से खड़ी होती है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर साहब का ग्रीवेंस हो सकता है,
बाकी आंध्र प्रदेश में जैसा कि नजर आ रहा है कि वहां फुल ब्लोन आउट वॉर है बिटवीन द चीफ मिनिस्टर हिज मिनिस्टर्स एंड द जुडिशरी. इसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी इसलिए भी है कि आप देखिए कि अप्रैल में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ने दो FIR रजिस्टर करवाई थी. ठीक ठीक मैं रोक रहा हूं आपको इसीलिए कि मैं कुछ सूचना दे रहा हूं न्यूज़वीक का दर्शक के लिए. 15 सितंबर आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने उन्होंने क्या राय दिया कि मीडिया एकदम उसका मुंह बंद कर दिया क्योंकि एक FIR लॉन्च किया गया था. ये क्या है FIR में? ये FIR में लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन ये लॉन्च किया? राज्य सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो. और क्या लिखा है कि कोई जमीन के मामले में सिर्फ राज्य के जो भूतपूर्व एडवोकेट जनरल ये डी श्री दम्मलपति श्रीनिवास जी सिर्फ वो नहीं. ये FIR में जस्टिस NV रमन्ना जिसके खिलाफ जगनमोहन रेड्डी ने चिट्ठी लिखा वो बोला उनका दो बेटी का नाम भी है इसमें ये FIR में. और उस समय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जस्टिस JK महेश्वरी उन्होंने लिखा कि ये FIR में जो भी लिखा है ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए. पूरा पत्रकार लोगों को मीडिया को एकदम मुंह बंद कर दिया. बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया इस विषय के ऊपर एक भी लाइन नहीं लिख सकते. ये भी बहुत आश्चर्य बात है. ये भी पहला बार हम सुन रहे हैं. सर जो मैं कह रहा था वो थोड़ा सा ये तो एक मैं इस पे बाद में आता पर उससे पहले भी काफी बड़ा एक पटकथा है. अब वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल में हाईकोर्ट ने एक दो FIR रजिस्टर की थी CID को CID आंध्र प्रदेश उन लोगों के खिलाफ जो इनकी पार्टी के नेता हैं जगनमोहन रेड्डी जी की पार्टी के नेता हैं कई नेता गण जिन्होंने MPs MLAs पार्टी में जो ओहदेदार हैं उन लोगों ने कई बातें हाईकोर्ट के खिलाफ कही थी तो उन सबको लेके एक FIR दो FIR रजिस्टर हुई CBI के यहाँ और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कराई थी. उस पर इन्वेस्टिगेशन शायद हाईकोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था कि ठीक से नहीं हो रहा है और देयरफॉर वो मैटर में हाईकोर्ट ने वो सारा उठा के वहां से लेके CBI को दे दिया इन्वेस्टिगेशन का कि इस तरह के एलिगेशन हाईकोर्ट पे लग रहे हैं जो कि मलिशियस हैं और कंटेम्पचुअस है. ये तो एक चीज है. फिर दूसरा जो आपने बताया उसके बाद वो हुआ कि रिटेलिएशन ये हुआ कि वहां से गवर्नमेंट ने FIR करवाया जो आपने बताई. अच्छा मजेदार बात यह है कि जो लेटर आया है वो इन सब बातों पे निर्भर है और मेन ग्राउंड ये है कि हाईकोर्ट में 2019-20 में हाईकोर्ट ने सरकार के काफी कुछ आदेशों को जो है वो स्थगित कर दिया जिसकी वजह से एक सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है. दिक्कतें आ रही है. इसी विषय के ऊपर दोबारा आऊंगा आपके पास मगर इससे पहले ये जो मुख्यमंत्री जगन रेड्डी जी जो 8 पन्ने का जो चिट्ठी लिखा इसमें इन्होंने लिखा कि ये YSR कांग्रेस पार्टी जब सत्ते में आया आंध्र प्रदेश में मार्च 2019 और उसी समय उन्होंने जांच शुरू कर दिया. बहुत सारे जमीन के लेके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे जो उससे उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू जी जो जून 2014 से मई 2019 तक सॉरी 2019 फरवरी तक थे और उस समय आप जानते हैं वो राज्य का भी एक बंटवारा हो गया था. तो उन्होंने कह रहे हैं ये पहला बार एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना वो कोशिश कर रहे ही इज ट्राइंग टू
influence the court of justice. He's trying to influence the administration of justice. Ye aarop ek mukhyamantri, ek Supreme Court ka nyayadhish ka khilaf lag rahe. Ye kabhi humne nahi suna. और मैं दो चार बात और करना चाहता हूं, उसके बाद आप समझाइए हमारे दर्शक को. एक कार्यक्रम हुई थी जे एक भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जस्टिस आर भानुमति, उन्होंने एक किताब, उनका एक किताब प्रकाश किया गया. उसके एक एक कार्यक्रम हुई थी और उसमें जस्टिस रमना से रमना ये कहा, मैं पढ़ के आपको सुनाता. As judges are restrained from speaking out in their own defense, they are now being construed as soft targets of criticism. Soft targets for criticism. The issue is further complicated by the proliferation of the social media and technology, wherein judges are becoming victims of juicy gossip and slanderous सोशल मीडिया पोस्ट्स. यानी कि जस्टिस रमना कह रहे हैं कि हम लोग न्यायाधीश है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम सिर्फ जजमेंट जो हमारा है वही उसी से हम हमारे खिलाफ अगर किसी ने आरोप लगाया, हम भी हमारे अपनी डिफेंस में हम कुछ नहीं कह सकते हैं. और हमने एक जज, ये एक न्यायाधीश को उनका जो भी उनका आलोचना करना, टिप्पणी करना बहुत आसान है. और आजकल सोशल मीडिया का युग में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो मर्जी जो भी हो सकता है. और लोग ऐसे रोचक कहानी सुना रहे हैं और एक तरह से मानहानि कर रहे हैं. तो आपका क्या राय है? ये दो जो विषय है, एक है जो जगनमोहन रेड्डी कहा कि जस्टिस रमन्ना इन्फ्लुएंसिंग कोशिश कर रहे कि जिस तरह से हमारा न्याय होना चाहिए नहीं हो रहे, उसके ऊपर रोक लगा रहे या कोशिश कर रहे टू इन्फ्लुएंस इट. और साथ साथ जस्टिस रमना का जो भी उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आई कैनॉट डिफेंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को आई कैनॉट डिफेंड दी माई सेल्फ अगेंस्ट दी एलिगेशन, जो भी आरोप लगा रहे हम मेरा खिलाफ. जैसा मैं कह रहा था ना, देखिए इसको समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजिकली देखना पड़ेगा इवेंट्स को. अब चूंकि सारा इतिहास सामने आ गया है, जो वॉर चल रहा है आंध्र प्रदेश में, तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्रोनोलॉजिकली देखें इवेंट्स को कि 6 तारीख को लेटर लिखा गया आफ्टर द ऑर्डर ऑफ बेंच ऑफ जस्टिस रमन्ना फॉर एक्सपेडिशियसली डिसाइडिंग द क्रिमिनल मैटर्स अगेंस्ट द लॉ मेकर्स, में ये इनके खिलाफ भी हो सकता है, हो जाता है वो. अब सवाल ये है कि जब ये लेटर 6 तारीख को लिखा गया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बट प्राइम मिनिस्टर एंड द लेटर इज देयर आफ्टर डिस्क्लोज टू द प्रेस. अब जब आप प्रेस को डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, जिसको कि ये लेटर संबोधित किया गया है, उसको क्या चॉइस छोड़ते हैं? Let us see it chronologically. See, fact remains key that Chief Justice of India can either constitute an inquiry, an in-house inquiry, or he may go and seek help of the Judicial the Inquiry Act, which applies on the judges. अब अगर in-house inquiry करते हैं, उसके लिए interesting part है. अगर आप letter को देखें क्या है, letter में दो चीजें हैं allegation. एक एलिगेशन ये है कि उनकी डॉटर्स पे है, जस्टिस रमन्ना की डॉटर्स पे एलिगेशन है कि जमीन खरीदी. नॉर्मली आप कह सकते हो जमीन खरीदना कोई क्रिमिनल एक्ट थोड़ी ना है, इफ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड लेजिटिमेटली अंडर अ लॉ. तो ये उनका केस नहीं है कि इट हैज बीन एक्सप्लेन प्रॉपरली और नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली, बट सम काइंड ऑफ अ कोल्यूजन हैज बीन पॉइंटेड आउट फॉर गेटिंग द लैंड चीपली. एक दूसरा विच इज करप्शन चार्ज. दूसरा ये है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश को हमारे खिलाफ. अब दिस डायरेक्टली हिंट्स एट दैट डायरेक्शन विच हैज बीन इश्यूड टू कंक्लूड द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द लॉ मेकर्स, जो उनके खिलाफ भी पड़ता है.
मैं आ रहा हूँ हमारा। हाँ अब आप खत्म कीजिए आपके बात, मेरा सवाल और भी सवाल है। तो मेरा कहना ये कि आपके सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब आप ये देखें कि इस लड़ाई में किस कौन आदमी जो है बेनिफिट, कौन पक्ष बेनिफिट उठा रहा है और कौन पक्ष सफर करेगा। अच्छा। मेरे हिसाब से रमन्ना साहब सबसे बड़े सफरर होंगे। अच्छा मैं आगे तो पास मैं आगे इससे पहले आप कहें, इससे पहले एक बात मैं सुन लीजिए, उस लेटर में थ्रेट है, उस लेटर के एंड में अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा है धमकी दी। आई वुड रिक्वेस्ट, उस लेटर में जगन रेड्डी साहब ने ये कहा है कि आई वुड रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी व्हिच ही डीम्स प्रॉपर एंड इफ ही रिक्वायर्स मटेरियल वी विल सप्लाई द मटेरियल। अच्छा तो थ्रेट क्या है? तो ये एक तरह से एक धमकी भी है। एग्जैक्टली, चार्ज बेसलेस नहीं है, चार्ज में सब्सटेंस है। एक मिनट द्विवेदी जी, ऐसा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं अत्यंत दुखी हूं, विथ पेन एंड एंग्विश वो कह रहे हैं, हम लिख रहे हैं, क्योंकि आज आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय एक तरह से मेरा सरकार को गिराने का कोशिश है। दे आर ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज आवर गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग टू टॉपल इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यही आरोप है। अच्छा आप देखिए, आपने जैसा कहा आज बोबडे जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे उच्च न्यायालय का सबसे उच्च न्यायाधीश, उनके सामने आप जैसे एक रास्ता बताया कि जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये एक रास्ता है, और अगर जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर एक समिति गठन करते हैं, एक इन हाउस एक एक जांच होता है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और एक जज को हटाना आसान काम नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, ये जो हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है। ये आपको एक पर उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उधर जाएं। उसका दूसरा रूट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में ले डाउन कर दिया है कि अगर कोई करप्शन चार्ज का एलिगेशन आता है देन प्राइम फेसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट रिस्पेक्टिवली अपने अपने जुरिस्डिक्शन में एक जांच कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इन हाउस इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करके देन दे कैन सी प्राइम फेसी चार्ज में दम है या नहीं है, और चार्ज में दम हो देन दे कैन प्रोसीड टू द अगर समझ लीजिए चार्जेस में, आरोप में कुछ दम है, तो उसके बाद आप इम्पीचमेंट करने के पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता, और नोटिस में कम से कम 100 लोकसभा का सांसद और 50 राज्यसभा का सांसद को लिखना पड़ेगा। आपको आपको मालूम है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, कपिल सिब्बल जी ने कोशिश किया था भूतपूर्व हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ, और उस समय राज्यसभा का चेयरपर्सन हमारे वेंकैया नायडू जी, ही रिफ्यूज टू एडमिनिस्टर, वो माने नहीं, ही रिफ्यूज टू to admit the notice. तो ऐसा पहले भी हमारे पास क्या कहते हैं उदाहरण है, मगर सब लोग बहुत आश्चर्य हो गए थे कि एक तरह से जगन मोहन रेड्डी कह रहे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है किस तरह से हमारे न्यायपालिका का स्वाधीनता निष्पक्षता बहुत जरूरी है। हम जानते हैं साफ साफ कि एक विधायक या सांसद अगर हाउस के अंदर कुछ कहे तो ये आप ये कोर्ट या कोई अदालत इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। साथ साथ अगर सांसद के अंदर या कोई विधानसभा के अंदर अगर कोई जज ने कुछ भी कहा, यू कैनॉट क्वेश्चन द कंडक्ट ऑफ अ जज, ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। तो बात यह होता है कि जगन जी जो आज चिट्ठी में लिखा, जो सार्वजनिक हो गया, ये विधानसभा में उन्होंने क्यों नहीं कहा? ये उन्होंने विधानसभा में नहीं लिखा, ये चिट्ठी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आई है ना। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आई है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अ चीफ मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट,
a constitutional functionary can always write to another constitutional functionary saying that this is the problem, please look into it. पर प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा मेरा जो ग्रीवेंस है वो ये नहीं है कि आपने लेटर लिखा, ठीक है आपने लिखा, बट दिस वाज नॉट अ मैटर विच यू शुड हैव गॉन आउट एंड डिस्क्लोज टू द प्रेस. प्रेस को डिस्क्लोज करने का मतलब ये है कि आप यू आर नॉट लीविंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद एनी स्पेस, और आप उसको स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं तो वो कर Justice Ramanna is the only sufferer. Now then we must also further go and see who stands to gain the most. मेरा जो कहना है, अब आप कहिए who stands to gain the most, बोलिए जी. Now इसीलिए मैं आपसे कह रहा था chronology देखिए. He meet, he writes the letter dated 6th, does not disclose it, goes and meets the prime minister. दो ऑफ कोर्स दिखाया कुछ और गया है, एंड देयर आफ्टर द डिस्क्लोजर हैपेंस. अच्छा, नाउ रेस्ट आपकी, योर गेस इज एज गुड एज माइन. अच्छा अच्छा, दिनेश द्विवेदी जी, मेरा ग्रीवेंस ये है कि दिस इज अनदर अटेम्प्ट टू काइंड ऑफ प्रेशराइज द नेक्स्ट जेंटलमैन हु विल बी इन चार्ज ऑफ द जुडिशरी. अच्छा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल हिम. अच्छा, लेट मी आस्क यू अ सेपरेट क्वेश्चन. एक और विषय के ऊपर मैं आपका राय चाहता. हमारे इस समय जो सबसे उच्च न्यायालय के सबसे जो न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया है, बोबडे जी, वो 23 अप्रैल 2021 तक उनका टर्म है, उसके बाद वो रिटायर करेंगे. अगर किसी कारण के लिए अगर एनवी रमन्ना जी, जस्टिस एनवी रमन्ना उसके नेक्स्ट इन लाइन है, वो 24 तारीख के दिन ही डज नॉट बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर किसी कारण में लिए, तब जस्टिस आर एफ नरीमन जी विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मगर उनका टर्म सिर्फ 4 महीने से भी कम है, 12 अगस्त तक आने वाले साल 2021 में. उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी चौथा जगह में है जस्टिस ललित, यू ललित. वो उनका टर्म November 8, 2022. अगर वो जस्टिस रमन्ना की जगह आ जाता है किसी कारण के लिए भी, तो वो 13 महीना रहेगा. अगर नहीं है, अगर जस्टिस रमन्ना अपना टर्म जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 2 महीना रहेगा, लगभग 2 महीना. तो सवाल उठता है कि ये जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते हैं, इसके साथ ये जो घटना हुई, क्या संपर्क है इसके बारे में आप कुछ कहिए. देखिए मैं एक चीज बताऊं, जो आप बात कह रहे हैं कि नेक्स्ट इन लाइन कौन है, अगर वो नहीं बना तो फिर नेक्स्ट इन लाइन कौन है, आई डोंट थिंक दैट इज वेरी रिलेवेंट फॉर आवर पर्पसेस टुडे. फैक्ट रिमेंस कि आज जो हो रहा है, जो लेटर आया है, उससे इस क्या उसके निष्कर्ष निकलते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो मेरा जो मानना है वो मैं आपको बता रहा हूं. नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन आएगा उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद कौन आएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है जो आने वाला है. जो आने वाला है वो 1.5 साल के लिए है. अब अगर सी, इफ द इंटेंशन इज टू इंट्रैप एंड कंट्रोल हिम, देन व्हाट कैन बी अ बेटर एक्सक्यूज देन दिस. अच्छा. अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी होती है, चाहे जैसी वो इंक्वायरी जैसा आप कह रहे हैं एंड लीडिंग टू इम्पीचमेंट, देन जगन मोहन रेड्डी नीड्स द सेंटर. अच्छा, एंड देयरफॉर प्लस दूसरी चीज एक और कंप्लीट करने में, जगन मोहन रेड्डी जी से की कहा के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो उनको गेन तभी पॉसिबल है जबकि वो सेंटर उनकी मदद करे. ठीक है, मैं इट इज आउटरेजियसली कंटेम्पचुअस. अच्छा, जो है उनको ड्रॉ कर सकती. मैं इस विषय के ऊपर और भी 2-4 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. उससे पहले, एक लोग कह रहे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक संवैधानिक एक संकट सामने है हमारा. क्यों? आप वकील साहब है, आप बहुत ही वरिष्ठ वकील है, आप सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल प्रैक्टिस किया. केशव नंदा भारती केस में साफ साफ लिखा है, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर, जो क्षमता है वो अलग होना चाहिए.
जो है हमारे सांसद और विधानसभा, द लेजिस्लेचर्स, जो हमारे सरकार चलाते हैं, जो हमारा प्रशासन है, द एग्जीक्यूटिव, द गवर्नमेंट इन द सेंस द ब्यूरोक्रेसी, और साथ साथ जुडिशरी जो न्यायपालिका। तो ये तीनों जो जो एक तरह से हमारे देश का लोकतंत्र का तीन जो खंभा है, जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक दूसरे से बड़ा कोई नहीं है। नो वन इज सुपीरियर टू द अदर, नो वन इंस्टीट्यूशन इज सुपीरियर टू अदर। तो सचमुच क्या एक संवैधानिक संकट के सामने हम देख रहे हैं हमारे सामने? देखिए, इस संवैधानिक संकट की जो आप बात कर रहे हैं उससे क्या निकलेगा? उससे ये होगा प्रेसिडेंट रूल लग सकता है स्टेट में, सेंटर में प्रेसिडेंट रूल तो लगता नहीं है ना, लगेगा तो स्टेट पे लगेगा। पर जगन मोहन रेड्डी अगर आपके साथ आने को तैयार है अपने बेनिफिट के लिए, तो व्हाई वुड यू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल? आई रियली कांट अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो आई डोंट सी द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दैट। फैक्ट रिमेन्स, जगन मोहन रेड्डी साहब जो है, जैसा मुझे लगता है, मेरा ये इंप्रेशन है आउट ऑफ ऑल दिस सीक्वेंशली देखने के बाद, जगन मोहन रेड्डी साहब की जो है एग्जिस्टेंस जो है खतरे में उनको लग रही है, लिहाजा वो जो है सेंटर से मदद सीख कर रहे हैं। एंड माय फर्दर इंप्रेशन इज दिस कुड नॉट हैव हैपेंड, दिस कुड नॉट हैव हैपेंड बट फॉर द कंसेंट एंड नॉड गिवन बाय द सेंटर। ओके, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ एंट्रैपमेंट of Justice Ramanna, in my painful opinion, I would say. Okay, मैं आ रहा हूँ ये विषय के ऊपर। कुछ और सूचना आपको मालूम है, हम सबको मालूम है। जगन रेड्डी जी का पिताजी YS राजशेखर रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनका मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद ही जगन रेड्डी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहा, नहीं बना, वो कांग्रेस छोड़ दिया, अपना एक राजनीतिक दल बनाया, और फिर मई 2012 में उनके खिलाफ सीबीआई जांच करने के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया और 16 महीना उनको जेल के अंदर रखा। बहुत सारे आरोप थे कि उनका पिताजी जिस समय मुख्यमंत्री थे, कुछ लोग को उन्होंने गैर कानूनी तरह से मदद किया, जो खनन करने का कंपनी है, अपना एक अखबार है, साक्षी करके एक अखबार है, उसके लिए जमीन के लिए बहुत सारे कंपनीज का उन्होंने मदद किया था गैर कानूनी तरह से। और फिर और आगे बढ़ाइए, क्या हुआ कि 2011 में आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अगस्त 2011 में आदेश दिया सीबीआई को कि तुम जांच करो। इसके पीछे एक कांग्रेस विधायक थे, उनका नाम था पी शंकर राव। 7 महीना जांच करने के बाद सीबीआई ने बहुत सारे केस किया, फिर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी किया। मैं और थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने सीबीआई कोर्ट के सामने 7 फरवरी हाजिर हुई थी। उससे पहले उन्होंने 11 बार याचिका दिया कि मैं व्यक्तिगत अदालत में जाना नहीं चाहता हूं, मगर माना नहीं उनके बाद। फिर उसके बाद हम थोड़ा पीछे हट जाए, 2016 में एक पिटिशन था, और इस पिटिशन था कि हमारे देश में जितने सांसद है और विधायक है, कन्विक्टेड MPs और MLAs, इनके खिलाफ जो केस है इसको जल्दी में फास्ट ट्रैक करिए और इसका कोई फैसला ले लीजिए। और अंजो, इसमें ये नहीं है, हम चूंकि दैट केस इज माइन सो आई नो। अच्छा, वो केस ये है, इट इज अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। उसमें ये डायरेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि जो लॉ मेकर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस जो है चार्जशीटेड है, नॉट एट द स्टेज ऑफ FIR, चार्जशीटेड है, उनको एक्सपीडिशियसली साल भर के अंदर कंक्लूड किया जाए, एंड FIR वालों को जल्दी चार्जशीट करके कंक्लूड किया जाए। सो वो केस में डायरेक्शन हुए थे, उसके लिए स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के भी डायरेक्शन हुए थे। वो केस जो है अभी लगा था कुछ दिन पहले लेटर। अच्छा, ये मैं, दिनेश द्विवेदी जी जरा समझा दीजिए,
एक एमिकस क्यूरे, यानी कि एक वकील जो कोर्ट को मदद करने के लिए, ये विजय हंसारिया जी, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें लिखा 4482 ऐसे केस पेंडिंग है अलग अलग एमपीज, एमएलएज, सांसद और विधायक के खिलाफ, और इसमें 2556 जो सिटिंग लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है जी, और ये जो अदालत में जो मुकदमा चल रहे हैं, ये देर हो रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर रोक लग दिया, देयर स्टेज दैट आर ऑब्टेन्ड बाय हाई कोर्ट। और इसी में आ रहे 16 सितंबर जस्टिस रमन्ना जी, उन्होंने सारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिसेस है उनको बोला कि आप जरा जल्दी राय ले लीजिए, स्टे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप। वहां पे चीफ जस्टिस गोगोई जी ने जब ये सुनवाई कर रहे थे 2017 में, उन्होंने कहा कि हर राज्य में स्पेशल कोर्ट होना चाहिए ऐसे ये सारे विषय के ऊपर, और 12 ऐसे कोर्ट गठन किया गया। उनके बाद जस्टिस बोबडे जी भी आगे किया, और जो 4 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट का जो खंडपीठ है जो जिसमें जस्टिस रमन्ना था, उन्होंने ये भी बोला, ये भी बता दीजिए कब तक आपका जो ट्रायल चल रहा है, जो अदालती जो मुकदमा चल रहा है, कब तक खत्म होगा, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीटिंग अ ट्रायल, ये भी जरा समझा दीजिए, ये केस के साथ इसका भी लग रहा है हमें कुछ संपर्क है। देखिए ये केस हमने नहीं फाइल किया था, बल्कि एक कॉमन कॉज सोसाइटी एक के नाम से है जिसने की पिल फाइल किया था अलोंग विद अदर पब्लिक सोशल माइंडेड लोगों ने। मैं भी कॉमन कॉज का एक गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो इसको मैं बहुत पहले से कर रहा था, करीब आज 5-6 साल से। तो उसमें शुरू में 2012 या 13 में एक डायरेक्शन हुआ था कि आप जो है आफ्टर कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन एंड द लॉ कमीशन, ये सबको कंसल्ट करने के बाद ये डायरेक्शन हुआ था कि आप जो है क्रिमिनल ट्रायल जो है एक साल के अंदर कंक्लूड करेंगे, और उसमें टाइमलाइन प्रिस्क्राइब थी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस मॉनिटर करेंगे, एंड इन केस अगर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता है तो फिर वो हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे। इस तरह का उसमें डायरेक्शन हुआ था, पर उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा था क्योंकि सर कोर्ट्स ही नहीं थी। अब जब कोर्ट्स नहीं थी तो लिहाजा जस्टिस गगोई के समय ये प्रेशर लगा कि कोर्ट्स होनी चाहिए, तब उन्होंने सरकार ने बामुश्किल तमाम 12 कोर्ट्स को सैंक्शन किया। हम लोग का कहना यह था कि साहब 12 कोर्ट पूरे हिंदुस्तान में 4000 मुकदमे आप मतलब 40 साल में नहीं तय कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा चल भी शुरू करिए, भी धीरे धीरे हम उसको बढ़ेंगे आगे। तो वही मुकदमा जो है आगे चल के लगा, आप जिसको कह रहे हैं जो आदेश हुआ, और फिर सितंबर में लगा था जिसमें ये डायरेक्शन हुआ कि लॉ मेकर्स के खिलाफ कंक्लूड किया जाए ट्रायल को विद इन एज एक्सपेक्टेशनली एज पॉसिबल। तो दिनेश जी, मैं 2 और सवाल है, और इसमें सिर्फ राजनीति है और इसमें धर्म भी जोड़ जाता है। चलिए, जैसे हमने पढ़ा तो चिट्ठी का तारीख है 6 अक्टूबर, उसी दिन आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जगन रेड्डी जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिला, 40 मिनट उन्होंने मिला। इससे पहले उन्होंने 12 फरवरी को लास्ट इनके साथ एक मुलाकात हुई थी, और जो उस समय मीडिया को बोला कि एक बहुत ही विवादित विषय है ये, तीन राजधानी वो मांग रहे, चंद्रबाबू नायडू जी का समय वो एक ही राजधानी होना था वो अमरावती में, अब जगन रेड्डी चाह रहे कि 3 जगह में 3 अलग अलग राजधानी होगा। ये काफी विवादित एक विषय है, मगर दिखाया था कि हाँ इस कारण के लिए हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, हम आर्थिक उनका आर्थिक मदद चाह रहे हैं, ये वो। आपका क्या लग रहा है जगन रेड्डी और मोदी जी के साथ जो वार्तालाप हुई सिर्फ यही विषय के ऊपर नहीं, ये चिट्ठी के विषय के ऊपर भी कुछ बातचीत हुआ? मैं थोड़ा स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। आप स्पेकुलेशन तो मैंने आपको बताई दिया पहले ही,
स्पेक्युलेट तो मैं भी कर ही रहा हूँ, मेरे पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, मैं वहां बैठा नहीं था, तो स्पेक्युलेट तो मैं कर ही रहा हूँ। मेरी ओपिनियन ये है कि अगर सीक्वेंशली आप देखिए तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि शायद कंसेंट है सेंटर की इसमें। अच्छा, और सेंटर की कंसेंट पाने के बाद ही इन्होंने ऐसा किया है, और अब स्थिति केवल यह है कि सबसे बड़े लूजर रमन्ना साहब रहेंगे इसमें, क्योंकि उनकी ही ख्याति उनकी इज्जत का सवाल है। इंक्वायरी होगी तो उनपे होगी, उनपे एलिगेशन होंगे, एविडेंस पढ़ी जाएगी, तो फिर ये कि मैं रोज अखबार में और मीडिया में निकलेगा, तो ही इज गोइंग टू बी द वर्स्ट सफरर, दैट इज हाउ ही वुड सी इट। अच्छा, अब नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक। मैं दोबारा आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये संवैधानिक संकट के बात नहीं है। हम वायर में 13 अक्टूबर वेंकटेशन ने एक लेख लिखा, बोले ये सिर्फ एक मामू साधारण कुछ जंग नहीं है, ये गैंग वॉर है। हमें समझ में नहीं आया कौन है कौन सा गैंग में, और वेंकटेशन जी ने नहीं बताया, मगर उनको एक साफ कहना है कि उन्होंने बताया है, एक उन्होंने बताया है इन्फरेंशियली। उनका कहना ये, एक तरफ जगनमोहन रेड्डी जी के पार्टी के लीडर्स और उनके पार्टी के नेता हैं, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है। अच्छा। तो दो गैंग्स। अच्छा, मगर द्विवेदी जी, वेंकटेशन जी ये भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की, भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय का छवि खराब हो जाता, इट विल डू डैमेज टू द इमेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या आप मानते हैं उनके साथ, उनके बाद? Undoubtedly, see, such kind of an allegation अगर इस तरह के आते हैं repeatedly, तो अगर आप एक चीज का allegation बार बार लगाइए तो people start believing। और कुछ भी कहिए, आपके allegations outrageous हैं, contempt तो outrageous है, I mean outrageously contemptuous है। तो अब इस तरह का एलिगेशन अगर लगता है कि नेक्स्ट इन कमांड जो आने वाले हैं उनके ऊपर जो है करप्शन का चार्ज है, तो गवर्नमेंट के हाथ में तो ऑप्शन ये हुआ ना कि उसको ना बनाए। तो अच्छा, आप देखिए कि हर प्रकार से रमन्ना साहब के सर पे तलवार लटक रही है। ओके, तलवार लटका के फिर इस्तेमाल कैसे होगा, ये आप खुद आपने देखा है। द्विवेदी जी, 14 अक्टूबर मुंबई मिरर में सुगता श्रीनिवास राजू पत्रकार ने एक कमेंट्री लिखा था, और उन्होंने राजनीति और धर्म मिला दिया। जगन रेड्डी तो ईसाई है, हम सब जो जानते हैं शायद, और एक तरह से हम जानते हैं इस सरकार के कुछ लोग हैं, कुछ सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ लोग हैं जो क्या बताए, ईसाई के बारे में उनका एक एक नजरिया है, एक एक सोच है। तो उनका कहना है कि ये जो झगड़ा चल रहा है, एक साइड में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, दूसरे साइड में जगन रेड्डी जी वाईएसआर कांग्रेस, फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कि आप मानते हैं ये विश्लेषण जिन्होंने किया? मैं देखिए, मैं लोकल पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां की लोकल पॉलिटिक्स का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, जो भी अखबार में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसी से है, तो इसलिए आई एम नॉट टू श्योर ऑफ ऑल दैट। बट दो चीजें जरूर जरूरी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि रमन्ना साहब ने जो है बाबरी मस्जिद इश्यू से अपने को डिसोशिएट कर लिया था, लाइकवाइज इंक्वायरी गगोई साहब की कमेटी जो बनी थी उससे भी डिसोशिएट कर लिया था, बोथ टाइम्स ही सॉट रिक्यूजल एंड गॉट इट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, मे बी सेंटर इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये बहुत ही कमांड चीफ जस्टिस नेक्स्ट इन जो आने वाला है इन लाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मे बी ही वॉन्ट्स टू टो सम काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट लाइन, आई डोंट नो, दिस इज समथिंग विच कोरोबोरेट्स माई सस्पिशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देयरफॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने किया कि बाबरी मस्जिद राय के बारे में रमन्ना जी नहीं थे, वो बेंच में, वो खंडपीठ में नहीं थे, ठीक का, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेंच, नॉट, ही रिक्यूज्ड हिमसेल्फ। अच्छा, ही रिक्यूज्ड हिमसेल्फ, वो कहा कि ये खंडपीठ में नहीं रहूंगा। और जो चीफ जस्टिस, जो भूतपूर्व जो
गोगोई जी के खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस था उसमें भी उन्होंने रिक्यूज कर दिया, ठीक कहा मैंने अपने को? तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने किया, अभी समय बताएंगे। देयरफॉर मुझे ये लगा शायद गवर्नमेंट मे बी नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम एंड देयरफॉर दे नीडेड समथिंग टू हैपन एंड देयरफॉर दैट मीटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑफ 6th. Now, obviously, one can always turn around and say these are all conspiracy theories. One can say that. But the fact is that what is emerging eventually is that the person who is next in line to be appointed within next 7-8 months, he is the person who is going to be having a sword hung over his head. The Damocles sword. Yeah. थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपने ये बहुत ही एक जटिल विषय है और बहुत ही एक विवादित एक विषय है, इसको आपने बारीकी से न्यूज़क्लिक का दर्शक को आपने समझाया और इसका क्या असर पड़ेगा संविधान के ऊपर, क्या क्या असर पड़ सकते हैं राजनीति के ऊपर, क्या केंद्र का राजनीति, आंध्र प्रदेश का राजनीति, ये सारे विषय के ऊपर आपने बारीकी से बात किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।